छात्रों, आज की कक्षा में कर्तव्य और सत्यता पाठ का विश्लेषण देखेंगे। कर्तव्य और सत्यता इस पाठ के लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार है और इनसे जो है भाषा विद्वान भी इन्हें कहा जाता है। श्याम सुंदर दास का जो हिंदी के प्रति निष्ठा है वो उनके योगदान से पता चलता है, क्योंकि जहाँ पर अभाव दिखाई दे हिंदी के संदर्भ में या फिर हिंदी भाषा के संदर्भ में, उसके विकास के संदर्भ में हो सकता है, उसके प्रचार प्रसार के संदर्भ में हो सकता है, जहाँ भी अभाव दिखाई दिया था तो उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, जैसे कोश या फिर शब्दकोश के संदर्भ में है, इतिहास के संदर्भ में है, या फिर काव्य शास्त्र को लेकर हो सकता है, भाषा विज्ञान को लेकर, अनुसंधान को लेकर हो सकता है, जहाँ भी हिंदी को लेकर अभाव मानते थे तो उसे पूर्ण करने में जो है ये कभी भी अपना कसर नहीं छोड़े हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर दास उनके साहित्य जो है उत्कृष्ट कोटि के रहे हैं। तो उनके जो कृतियाँ हैं मौलिक के रूप में देखा जाता है या फिर एक मानक के रूप में उन्हें देखा जाता है, जैसे भाषा विज्ञान के संदर्भ में, क्योंकि भाषा को भी एक विज्ञान माना जाता है, तो विज्ञान है तो भाषा विज्ञान किस तरह से विज्ञान माना जाता है इसे लेकर बहुत ही सुंदर लेख जो है लिखे हैं। तो कई सारे संदर्भ में श्याम सुंदर दास की जो कृतियाँ हैं बहुत ही अनोखा जो है रहा है। तो भाषा के प्रति, खासतौर पर हिंदी भाषा के प्रति उसे ज़्यादा ही मोह रहा है और उनका मोह या वो मोह हो सकता है या फिर योगदान हो सकता है वो देखने पर पता चलता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उसे साहित्य वाचस्पति का पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं। और साथ ही जो है हिंदी में हो या फिर भाषा के संदर्भ में है जो उच्च कोटि की उपाधि माना जाता है डीलिट की उपाधि, तो वो जो है उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्हें प्राप्त हुआ है। तो उनके जिस तरह का लेख रहे हैं तो वो संदर्भ जो है निबंध शैली के लेखन ज़्यादा ये लिखे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कर्तव्य और सत्यता जो है एक निबंध शैली का पाठ रहा है। तो निबंध जानते ही हैं, निबंध जहाँ पर कोई बंधन नहीं होता है उसे निबंध कहा जाता है। तो ये जो कर्तव्य सत्यता है ये भी निबंध शैली का एक नमूना है या फिर उसे जो है पाठ के रूप में आपको प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर कर्तव्य और सत्यता जो पाठ है तो विद्यार्थियों के मन में हो या फिर विद्यार्थियों के लिए खासतौर पर उपयोगी हो, उनके जीवन के लिए लाभदायक हो, इस कारण से इस पाठ का चयन यहाँ पर किया गया है। तो कर्तव्य और सत्यता पाठ की तरफ जाने से पहले हम जानेंगे कर्तव्य और सत्यता क्या होता है। आप जानते ही हैं हर कोई कार्य करता है, अपना कर्म करता है या फिर उसका अर्थ या फिर समानांतर अर्थ होता है कर्तव्य। जो हम काम करते हैं, जो हमारे जिम्मे की काम होती है, हमारा जो दायित्व होता है उसे कहा जाता है। और सत्य के बारे में आप जानते हैं, जो सच का मार्ग अपनाता है, जो सत्यवादी होता है, जो सच कहता है, सत्य को अपनाया हुआ होता है। तो जिस प्रकार कर्तव्य और सत्यता दोनों मिलकर चलते हैं, तो मतलब यहाँ पर लेखक का उद्देश्य कहना है कि जहाँ पर सत्य होता है और सत्य के साथ अगर हम कर्म करते हैं तो कभी वो जो है एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जब वो दोनों मिलकर चलते हैं तो हम जो है धर्म का साथ दिए जैसा है, धर्म के अनुसार चलने जैसा है, धर्म का पालन करने जैसा है। जब इन तीनों का सम्मिश्रण हो जाता है या फिर संगम हो जाता है तो उस व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता है। तो समाज में कई सारे लोगों को हम देखते हैं जो अपना कर्तव्य निभा रहे, दायित्व निभा रहे, लेकिन वहाँ पर फिर प्रश्न आता है क्या वो सच के मार्ग पर चल रहे, सत्य के मार्ग पर चल रहे। अगर सत्य के मार्ग पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है और वो जो है धर्म के अनुसार चल रहे हैं, ये अर्थ आता है। तो लेखक यहाँ पर जिस पाठ का चयन यहाँ पर दिया गया है या फिर लेखक जो कहना चाहते हैं, छात्र ध्यान में रखिए कि ये जो पाठ है हमारे लिए सिर्फ पाठ के संदर्भ में नहीं है, संपूर्ण हमारे जीवन के लिए, जीवन की सफलता के लिए है। अगर इस कर्तव्य और सत्यता पाठ को अगर हम अच्छे से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमारा जीवन जो है आसानी से सफलता के मार्ग पर जाएगा, सच्चाई के मार्ग पर जाएगा और कल्याण का मार्ग जो है हम लोग उस पथ पर जाने लगेंगे। जो हम विद्यार्थी जीवन में अगर इनसे या फिर इन्हें जिन्हें हम
नैतिक मूल्य जो हम कहते हैं इसके अंतर्गत आने वाले हैं, सच बोलना हो, कर्तव्य का पालन करना हो, निष्ठावान रहना है, मतलब प्रामाणिक हमें रहना है, धर्म का आचरण हमें करना है, दूसरों का बुराई नहीं करना है, कई सारे ऐसे जिन्हें हम नैतिक मूल्य के अंतर्गत डालते हैं, तो उनमें से ये जो है जो गुण अगर हम अपनाएंगे तो जीवन में सरलता से हम लोग जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार इन सभी से चूक जाते हैं, संदर्भ के अनुसार हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, कभी कभार हम लोग जो है हमारे कर्तव्य से आगे नहीं बढ़ेंगे या फिर कर्तव्य का पीछा ले लेते हैं, कर्तव्य के कारण से हम लोग पीछे हट जाते हैं, कर्म नहीं, अपना जो कार्य है कर्म है वो नहीं करते हैं या फिर निभा नहीं पाते हैं, या फिर सत्य का साथ नहीं देते हैं, सत्यवादी नहीं सकते हैं, या फिर सत्य को हम अपना कर नहीं चलते हैं। तो ये सारे जो विषय हैं तो हमारे जीवन में बाधक के रूप में आ जाते हैं। उस समय के लिए लगेगा कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं या फिर ठीक है, हमारे लिए ठीक है, ऐसा लगता रहेगा, लेकिन ये सभी जो है हमें बाद में पछतावे के लिए कारण बन जाता है। तो इसके लिए बेहतर है कि हम लोग अपना कार्य सटीकता से धर्म के अनुसार अगर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो छात्रों, यहाँ पर लेखक उसी संदर्भ में कहते हैं, और कर्तव्य कैसे निभाया जाता है, वो भी सच के साथ कैसे निभाया जाता है, उन दोनों के बीच का संबंध किस प्रकार का है, इन विषयों को लेकर पाठ में चर्चा किए हैं, और उसके साथ साथ कई सारे उदाहरण भी दिए हैं जो अनोखे हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो पहले जानेंगे कर्तव्य क्या है। तो देखिए, लेखक यहाँ पर कहते हैं, पाठ का शुरुआत देखिए, कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है, और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। तो देखिए, लेखक यहाँ पर कहते हैं, कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। तो हम लोगों का परम धर्म क्या है, जो हम कर्तव्य करते हैं, काम करते हैं, हमारे जिम्मे की जो दायित्व हमें निभाना है, तो हमारे लिए परम धर्म होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। लोगों की दृष्टि में गिर जाना मतलब क्या है, हम लोग जो है या फिर हम लोगों का स्वभाव आसानी से दूसरों को पता चल जाएगा, क्योंकि हम अपना काम निभा नहीं रहे हैं, अपना कर्म नहीं कर रहे, तो आसान बात है या फिर आम बात है कि लोग हमें अलग दृष्टि से देखेंगे। तो आगे वो कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता, इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर शुरुआत में अगर हमारे लिए कोई काम दिया जाता है तो हम खुशी खुशी उसे करते हैं, क्योंकि शुरुआत होती है ना उस कारण से, लेकिन उसके बाद उसी उत्साह से हम निभा पाएंगे, तो इसके लिए वो कहते हैं, देखिए हमारा कर्तव्य कहाँ से शुरू होता है, काम करते हैं हर कोई अपना दायित्व निभाता है, तो उसकी शुरुआत, तो वो कहते हैं उसकी शुरुआत हम लोगों को घर से ही मिलता है। तो जो भी हमें संस्कार मिलते हैं, जो भी हमें सीखने को मिलता है, वो हमारे घर से ही है, क्योंकि छोटी अवस्था से या फिर जन्म लेते ही हम सब कुछ अनुकरण करते हुए सीखते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, देखिए अनुकरण करते करते सब कुछ सीख जाते हैं। तो एक उम्र आने तक, मतलब 2 साल 3 साल के होने तक जो है बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। तो ये सभी सीख कहाँ से मिलती है, हमें घर से ही मिलती है। तो इसलिए लेखक कहते हैं, ये हमें जो कर्तव्य करना है, काम करना है, करने का जो प्रेरणा है वो हमें घर से ही मिलता है। तो काम करते हैं हम लोग, तो काम करते हैं तो माता पिता के प्रति, तो जो बच्चे होते हैं घर में, जो लड़का हो लड़की हो किसी भी संदर्भ में हो, तो जो बच्चे होते हैं उनका भी कर्तव्य माता पिता के प्रति होता है, माता पिता का कर्तव्य बच्चों के प्रति भी होता है। तो दोनों का वहाँ पर परस्पर जो आत्मीय संबंध होता है, तो एक दूसरे के संदर्भ में वो लोग अपना कर्तव्य निभाते जाते हैं। तो हर संदर्भ में वो कहते हैं, घर के संदर्भ में हो या फिर संसार में या फिर समाज में जो कोई भी रिश्ता हम लोगों ने बनाया है, भाई बहन के संदर्भ में हो सकता है, मालिक सेवक के संदर्भ में हो सकता है, पति पत्नी के संदर्भ में हो सकता है, लड़का लड़की के संदर्भ में हो सकता है, हर संदर्भ में जो है हम लोग कई सारे हमारे कर्तव्य या फिर दायित्व निभाते रहते हैं। तो ये जो दायित्व है या फिर ये जो कर्तव्य है हम लोग निभा रहे हैं, तो जिस तरह का कर्तव्य हम लोग निभा पाते हैं या फिर निभा रहे हैं,
तो उसके पीछे प्रश्न करते हैं लेखक कि क्या हम लोग ये जो कर्तव्य करते हैं, जहाँ देखो वहाँ कर्तव्य जो हमें दिखाई देता है, तो उस कर्तव्य के संदर्भ में हम लोग कौन सा मार्ग अपना रहे हैं, किस मार्ग पर हम कर्तव्य निभा रहे हैं। तो देखिए वो आगे कहते हैं, इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ कर्तव्य दिखाई देते हैं, क्योंकि कई सारे संबंध हैं, कई सारे संबंधों का हम लोग अनुकरण करते हैं, कई सारे संबंधों के साथ हम लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो ये जो कर्तव्य हम लोग करते हैं, जहाँ देखो वहाँ जो कर्तव्य दिखाई देते, कर्म दिखाई देते, अपना अपना कर्तव्य जो निभाते हैं, तो क्या ये जो कर्तव्य का पालन करना है तो धर्म के साथ है या फिर धर्म के अनुसार हम लोग अपना कर्तव्य निभा पा रहे हैं, तो प्रश्न आता है। अगर हम अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, तो उससे हमारा चरित्र जो है बढ़ता है, उससे हमारी चरित्र की शोभा बढ़ती है। तो तभी जो है हम लोग अच्छा काम किए हैं, इसका जो है हमें एक जो है प्रशंसा हो या फिर उसके प्रति जो लोगों की नज़रिया हो, तो वो अच्छा रहता है। क्योंकि काम करते हैं, हर कोई काम करता है, लेकिन किस तरह का काम करते हैं ये भी ज़रूरी है ना। दूसरों को समझ में आता है या नहीं, या फिर दूसरों के अनुकूल में है या नहीं, या फिर दूसरों के संदर्भ में किसी को हानि पहुंचाए बिना हम लोग काम किए या नहीं, ये विचार वहाँ पर आता है। ये सभी जो है हमारे धर्म से जुड़े हैं। धर्म मतलब किसी धर्म को लेकर मैं नहीं कह रही हूँ या फिर किसी धर्म का नाम यहाँ पर लेखक नहीं ले रहे, क्योंकि हर कोई धर्म जो है या फिर जो कोई भी धर्म है हमारे भारत भर में, अगर आप उदाहरण के रूप में देखेंगे कई सारे धर्म हैं, तो हर कोई धर्म जो है हर किसी के प्रति यही प्रेरणा देती है कि हमें समाज में अच्छा करना है, अच्छा काम करना है, बुरा नहीं करना है। तो हर धर्म का नींव के रूप में, बुनियाद के रूप में यही तत्व है, यही घोषणा है। तो इसीलिए वो धर्म सिर्फ धर्म का नाम ले रहे हैं। कोई भी धर्म का पालन आप कीजिए, अनुकरण कीजिए। क्या आप अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर रहे, धर्म के अनुकूल आप कर्तव्य कर रहे, प्रश्न करते हैं। अगर सच में आप धर्म के अनुसार अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारे चरित्र की शोभा बढ़ाने वाला है। तो आगे वो कहते हैं, ये जो हम काम करते हैं तो ये जो काम है कर्तव्य न्याय पर निर्भर है, न्याय पर है। और वो भी न्याय किस तरह का न्याय है कि ऐसा न्याय है जिसे समझने पर तो हम लोगों को उस काम के प्रति प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। देखिए कैसे कहते हैं, तो अगर ये विषय समझ में आता है तो आसानी से हम लोग जो है इसका पालन कर सकते हैं। अगर किसी के लिए कोई काम सौंपा गया है, कोई दायित्व सौंपा गया है, तो वो काम करने पर अगर हमें खुशी मिल रही है या फिर उस काम करने से हमें खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, उस काम के प्रति अगर हम लोगों के मन में प्रेम का भाव है, तो वो काम जो है आसानी से न्याय के साथ ही होता है। न्याय करना मतलब क्या है, तो न्याय है अन्याय है देखना तोलना इस संदर्भ में नहीं है। कर्तव्य के संदर्भ में न्याय मतलब या फिर न्याय पर निर्भर करना मतलब हम सटीक उसके लिए वो मूल्य दे रहे हैं या नहीं। अगर उदाहरण के साथ कहना है तो घर में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोगों का समूह वहाँ पर रहता है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, माता पिता के संदर्भ में हो, बड़े भाई के संदर्भ में हो, तो अगर वो लोग हमारे लिए कोई काम सौंपते हैं, कोई बाजार से सामान लाने के लिए हो सकता है, कुछ चीज़ें लाने के लिए हो सकता है, अगर भेजा जाए तो ये काम है हमारे लिए, कर्तव्य दिया गया है, तो इस काम को कैसे करना है, हम लोगों को खुशी खुशी करना है। अगर हम लोग खुशी खुशी उस काम को निभा रहे हैं, अगर उस काम के प्रति हमें भी प्रेम है, तो हम लोग खुशी खुशी बाहर जाएंगे और चीज़ें ले आएंगे जो कहा गया है, सटीक तरह से ठीक से समझकर उस काम को हम पूरा करेंगे। अगर हम लोग पूरा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें बाहर जाने के लिए मन नहीं है, बाहर ही जाना पसंद नहीं करेंगे, घर का किया दिए जो दिया हुआ काम है वो करना ही हमें पसंद नहीं है, तो हम खुशी खुशी उस काम को निभा नहीं पाएंगे, मना करेंगे या फिर ज़बरदस्ती भी अगर हमें बाहर जाना पड़ा, ठीक से जो कहा गया है सभी चीज़ों को ला नहीं सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ये मैंने दिया है। तो हर संदर्भ में, हर काम के संदर्भ में ये है, जो काम हमारे लिए सौंपा जाता है उस काम को हम खुशी खुशी करते हैं प्रेम के साथ, मतलब उस काम करने में हमें प्रेम रहना है, खुशी से या फिर मन के साथ उस काम को हमें निभाना है, तभी जो है हम उस काम के लिए न्याय दे सकते हैं।
इसीलिए लेखक कर्तव्य न्याय पर निर्भर है कहते हैं। तो न्याय पर निर्भर रहना बहुत ही जरूरी है। कर्तव्य के लिए न्याय देंगे, न्याय देना जस्टिफिकेशन देना है जो अंग्रेजी में कहा जाता है। अगर आप उसके लिए न्याय ही नहीं देंगे, जो उसका मूल्य है, कर्तव्य निभाने का भी मूल्य होता है, जो कोई भी काम देता है, जो कोई भी कर्तव्य हम निभा रहे हैं, तो अगर उसके लिए आप मूल्य नहीं देंगे, उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, तो उस कर्तव्य का कोई मोल नहीं रहता है। तो इसलिए कर्तव्य करना भी एक मूल्यवान वस्तु है या फिर काम है, तो जिसे हम न्याय के साथ करेंगे। कब न्याय के साथ हम लोग करेंगे? जब उस काम को करने में हमें खुशी महसूस होती हो। तो इसका मतलब ये नहीं जो हमें खुशी देते हैं वही मात्र हमें काम करना है। जो हमारे जिम्मे में, जो हमारे दायित्व में जो काम हमें मिल रहा है, अगर खुशी खुशी उस काम को करेंगे तभी मात्र जो है ये संभव है। खुशी खुशी प्रेम के साथ उस काम को अगर हम निभाएंगे तभी जो है हम लोग उस काम को न्याय के साथ पूर्ण कर सकते हैं, कर्तव्य को निभा सकते हैं, नहीं है तो नहीं। तो इसलिए लेखक यहाँ पर कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म, इसी कारण से वो कह रहे हैं। मतलब हर कोई, हर व्यक्ति के संदर्भ में उनका कर्तव्य निभाना उनका परम धर्म मानते हैं। आगे देखिए, हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कर्मों को करने से रोकती और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। तो देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं, हम लोगों के मन में, तो हर कोई जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो कुछ के हम जो भी निभा रहे हैं, हर किसी के पीछे हमारा मन प्रेरणा देते रहता है। और हमारा मन जो हमारा काम करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब जो शक्ति हमारे अंदर से आती है, तो वो जो है, मतलब न्याय के साथ जब हम काम करते हैं तो ये जो बुरे काम या फिर कर्म करते संदर्भ में जो हमारा मन उसकी ओर झुकते रहता है, तो उसे रोकने में जो है वो मदद करता है। तो ऐसी शक्ति हर किसी के संदर्भ में होता है। मतलब हमारा मन, दो मन होता है, बार बार मैं कहती हूँ कक्षा में, हर किसी के संदर्भ में जो मन का जो संकल्पना देते हैं या फिर जो हमारी कल्पना है मन को लेकर, क्योंकि देखे नहीं है क्या है पता नहीं है, लेकिन नाम हम लोगों ने मन को लेकर दे दिए हैं। जो हमारा मन है हमेशा दो तरह का होता है। एक मन जो हमें अच्छाई की ओर, अच्छे काम की ओर, अच्छे सोच विचार की ओर बढ़ाते रहता है हमें, या फिर प्रोत्साहित करते रहता है। दूसरा मन भी होता है अंदर ही अंदर, जो बुरे कर्म की ओर हमें उकसाते रहता है। ये जो अच्छा बुरा दोनों है, हमारा मन जो किस ओर हमारी शक्ति बढ़ाता है उसी पर हमारा कर्म निर्भर करता है। अगर हमारा मन बुरे काम, बुरे सोच विचार की ओर हमें आगे बढ़ाता है, तो हम लोग जो है बुरे होते जाएंगे, कार्य बुरा होता जाएगा, हम बुरे बनते जाएंगे दूसरों की नज़र में। अगर हम लोग अच्छे काम करते रहेंगे, अगर हमारा मन अच्छे काम करने के लिए हमें एक प्रकार से प्रेरणा देता रहेगा, तो आसान बात है या फिर आम बात है कि हम अच्छा काम ही करते जाएंगे और लोगों के नज़रों में हम अच्छे बनते जाएंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लेखक कह रहा है, हमारे मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें कभी कभार बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करता है या फिर कभी कभार अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है। जो बुरे काम करने के लिए जो रोकता है, इससे जो है हमें अच्छा काम करने के लिए हमारी ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ती है। आगे वो कहते हैं, यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य कोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। लड़कों, तुमने बहुत देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कह कर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम सभी चोरी न करें। तो देखिए लेखक यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, मिठाई का उदाहरण दे रहे हैं।